हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर के फैक्टराइजेशन टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्टराइज ट्वेल्व एम क्यूब प्लस सिक्स एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज इजी एंड यू कैन सॉल्व विद इन फ्यू मिनट्स। सो लेट्स सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में भी वेरिएबल दिखे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से हमें वेरिएबल्स को कॉमन लेना है। बट स्टूडेंट्स, समटाइम्स द वी टेक नंबर्स विथ वेरिएबल्स। सो व्हाट टाइप ऑफ नंबर वी डिसाइड फ्रॉम द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्स सिक्स ट्वेल्व, तो यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा कि जो नंबर है वो सिक्स के मल्टीपल हैं। सो स्टूडेंट्स, हम पहले तो सिक्स कॉमन लेंगे, और जब हम वेरिएबल की बात करते हैं कॉमन लेने की, तो हम वेरिएबल की वो पावर कॉमन लेते हैं जो सबसे लीस्ट हो। तो यहाँ पर पावर थ्री है, पावर टू है और यहाँ पर पावर वन है। स्टूडेंट, यहाँ पर एम के पावर लिखी नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल है तो उसके पावर वन जरूर होगी। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, टेक सिक्स एम एज कॉमन। सो स्टूडेंट्स, सॉरी, वी गेट सो स्टूडेंट्स, हम जब यहाँ से सिक्स कॉमन कर लेंगे, तो पहले फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे सिक्स एम राइट कर लेंगे एक ब्रैकेट के बाहर, और एक बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सो इस सिक्स से हम फर्स्ट टर्म के कोफिशियंट ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे, सो वी गेट टू। एंड एम कॉमन कर लिया, तो एम स्क्वायर प्लस थ्री, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि जब हम सिक्स को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा वन इंटू एम। बट स्टूडेंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा एम। सो हम यहाँ पर वन एम ना राइट करके डायरेक्ट एम राइट करेंगे एंड माइनस वन। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई लुक हियर दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, यू नो दैट फर्स्ट थिंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ ए सी। सो द वैल्यू ऑफ ए इज टू एंड द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस वन, सो वी फाइंड व्हाट माइनस टू। नाउ स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए सी स्टैंड फॉर माइनस टू इज टू कामा वन। सो स्टूडेंट, फ्रॉम हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी इज इक्वल टू पॉजिटिव सिक्स, सो वन साइड वी एड द वेरिएबल्स, सो 2 plus 1 become 3, which is not required, and 2 minus 1 which is plus 1 which is required. Sorry students, यहाँ पर मैंने plus 6 write कर दिया, जो कि plus 6 ना होकर के plus 1 होगा। So students, अब problem ये आती है कि हमारे पास एक चीज तो clear हो गया कि b1 हमारे पास है 2 and b2 है हमारे पास minus 1। अब स्टूडेंट, ये प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस वन कैसे डिसाइड किया गया। स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि जब भी हमारा साइन बी की वैल्यू का पॉजिटिव आएगा तो हम स्मॉलर वैल्यू नेगेटिव लेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ बी इज पॉजिटिव, सो ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव एंड
स्मॉलर वैल्यू निगेटिव। सो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, सो 6m अंडर ब्रैकेट 2m स्क्वायर एंड प्लस 2m माइनस m माइनस 1। सो स्टूडेंट्स नाउ यू मेक द ग्रुप ऑफ टू टू टर्म्स, सो फर्स्ट टू टर्म हियर एंड सेकेंड टू टर्म हियर। सो नाउ स्टूडेंट्स वी टेक इन फर्स्ट टर्म 2 एज अ कॉमन एंड m एज अ कॉमन, सो व्हेन वी टेक फ्रॉम फर्स्ट टर्म 2m कॉमन द रिमेनिंग इज m एंड नाउ वी अप्लाई द साइन प्लस। आफ्टर टेकिंग 2m एज अ कॉमन फ्रॉम सेकेंड टर्म वी गेट 1। सो नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर वी सी दैट वी रिक्वायर्ड इन टू द ब्रेकेट m प्लस 1, सो हियर m माइनस 1, सो हियर इज माइनस एंड हियर इज माइनस, सो वी टेक माइनस साइन। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना होता है तो हम वहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं, सो हम यहाँ पर 1 राइट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स इट्स बिकम m प्लस 1। मोस्टली स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज दैट हियर माइनस साइन था प्लस साइन आ गया और यहाँ पर भी माइनस साइन था प्लस साइन आ गया। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से अगर आप माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे तो प्लस बचेगा, यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो प्लस बचेगा, आपको इतना ही याद रखना। मीन्स अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है और माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन प्लस हो जाएंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स यू सी हियर इनटू वन ब्रैकेट एम प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 सेम, सो यू टेक कॉमन, सो 6m m प्लस 1 एंड 2m माइनस 1। सो स्टूडेंट्स यू सी हियर देयर आर 3 फैक्टर्स, सो द रिक्वायर्ड आंसर द फैक्टर आर 6m m प्लस 1 2m माइनस 1। सो स्टूडेंट्स इट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें जिसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस पर फिर से वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू स्टूडेंट।